ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। इन ढाई वर्षों में हम जो कुछ भी कर पाए हैं यह तीन वर्ष है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। योगी सरकार के दो साल पूरे हुए तो उपलब्धियों पर पीठ थपथपाने और जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता ने सरकार के लिए प्रचार के रास्ते बंद कर दिए थे। हालांकि चुनाव के नतीजों ने बिना मेगा ब्रांडिंग के ही सरकार को पूरे नंबर दे दिए। अब 19 सितंबर को सरकार के ढाई साल पूरे कर लिए हैं सरकार ने, तो तब की कमी अब पूरी करने के लिए सीएम योगी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। और आज हम अपने खास कार्यक्रम में इन्हीं उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि सीएम योगी ने इस दौरान कौन कौन से बड़े फैसले लिए। ढाई वर्षों में हम जो कुछ भी कर पाए हैं यह तीन वर्ष है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को ढाई साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह की प्रेरणा से काम किया, यूपी के विकास में अमित शाह का मार्गदर्शन मिला। हमारी सरकार ने पहले ही बैठक में लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया। पिछली सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, यानी विपक्ष पर भी बरसे। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रदेश में एक नई मेडिकल यूनिवर्सिटी और दो एम्स बन रहे हैं। योगी सरकार के ढाई साल पूरे, जमीन पर उतरी सामाजिक योजनाएं, सीएम योगी ने गिनाई ढाई साल की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल का ढाई वर्ष पूरा कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में सरकार के ढाई साल की उपलब्धियां गिनाते हुए एक बुकलेट लॉन्च की। 58 पेज की बुकलेट में स्लोगन दिया गया है, भरोसे के ढाई साल और जन सेवा के 30 महीने। योगी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ढाई सालों में जो भी कर पाए हैं ये टीम वर्क है। उन्होंने कहा, सुशासन, विकास और विश्वास का प्रतीक बनकर सरकार ने यूपी की 23 करोड़ जनता का विश्वास जीता है। इन ढाई वर्षों में हम जो कुछ भी कर पाए हैं यह एक टीम वर्क है और इस पूरी टीम ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने के लिए जिस नई भूमिका के साथ सुशासन, विकास और विश्वास का प्रतीक बनकर के सरकारें भी ऐसे चल सकती हैं, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विश्वास अर्जित किया है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ। सीएम योगी ने कहा कि 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। केंद्र की तरह प्रदेश में भी जाति, मजहब, पंथ को परे रख गरीब किसान, महिला, नौजवान को केंद्र में रखा गया। चुनौती बहुत थी, हमने उसे अवसर में बदला और प्रदेश का परसेप्शन बदला। यूपी की पहचान का संकट खत्म हुआ, शासन की विश्वसनीयता स्थापित हुई। हमारी सरकार ने पहली ही बैठक में 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के फसल ऋण की माफ़ी की कार्रवाई की थी और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार की देखा देखी तमाम अन्य राज्य सरकारों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, लेकिन फसल ऋण माफ़ी की सबसे सफलतम योजना उत्तर प्रदेश के अंदर की रही है, जिसमें हम लोगों ने 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ किए हैं।
24 घंटे बिजली, अपराध में कमी का दावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद से प्रदेश में अपराध की घटनाओं में कमी आई है। हत्या में 15%, बलवे की घटनाओं में 38% और डकैती के मामलों में 54% की कमी आई है। प्रदेश के अंदर इस दौरान तमाम अपराधों में व्यापक कमी आई है। डकैती में लगभग 54% का, बलात्कार की घटनाओं में 36% का, हत्या के मामलों में 15% का, लूट के मामलों में 45% का, फिरौती अपहरण के मामले में 30% का और बलवा आदि के मामलों में भी 38% की कमी आई है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीते 2.5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं जब 2.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का आज पूरा हो रहा है, इन 2.5 वर्ष के अंदर सभी पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इन 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल के दौरान हुए कई कामों को गिनाया। आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने सरकार के कौन कौन से काम गिनवाए। इंसेफ्लाइटिस के आंकड़ों में 65% कमी। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के साथ जोड़ने की पहल की। 73,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान करने के साथ ही बंद पड़ी चीनी मिल शुरू की गई। 14 और नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए। 2.5 साल में 50 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे। 90,000 स्कूलों का कायाकल्प किया गया। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ, इससे 20 लाख से ज्यादा रोजगार के रास्ते खुले। अगले 2 सालों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अगस्त 2020 तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मुख्य कॉरिडोर शुरू कर दिया जाएगा। स्कॉलरशिप में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। कन्या सुमंगला योजना की कार्य योजना बनी, इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा। 7 नगर निगम जो स्मार्ट सिटी योजना में शामिल नहीं है, उन्हें प्रदेश की सरकार स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करेगी। हर विधानसभा में एक पर्यटन क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। सड़क, मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सीएम योगी अपनी 2.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए यहां अपनी सरकार से काफी संतुष्ट दिखे और उन्होंने प्रदेश की जनता समेत अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सबके सहयोग की अपील की। मुझे लगता है उस सकारात्मक सहयोग के लिए मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबका इस सकारात्मक सहयोग प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान में आप सबका भी एक सकारात्मक सहयोग हम सबके साथ होगा। मैं एक बार पुनः आप सबको, उत्तर प्रदेश वासियों को 2.5 वर्ष की उपलब्धियों को बधाई देता हूं। बहरहाल योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा सफर पूरा कर लिया है। इस सफर में सीएम योगी ने प्रदेश के कामकाज के ढर्रे को बदला और शासन से प्रशासन तक कई बदलाव किए, जिसका प्रदेश पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो सीएम योगी ने 19 मार्च 2017 को कार्यभार संभालने के बाद प्रशासनिक ढर्रे में बदलाव की पहल की और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश को लेकर परसेप्शन बदला है। सीएम योगी ने न सिर्फ सामाजिक योजनाओं को धार दी बल्कि सरकार की संस्कृति और भाषा भी बदली। प्रदेश में नीति को साधने से लेकर 2019 की राजनीति भी साधी और अब यहां से उनकी तैयारी बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार 2022 की परीक्षा पार करने की होगी। मार्च 2017 में बीजेपी 14 साल के सियासी वनवास के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटी तो मुख्यमंत्री का ताज योगी आदित्यनाथ के सिर सजा।
आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपार बहुमत से उपजी अपेक्षाओं को संभालते हुए योगी सरकार ने अपना आधा सफर तय कर लिया है। सरकार पहले दिन से ही चुनावी वादों को अमल में लाने में जुटी, फिर उपचुनाव का झटका झेला, उससे सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक योजनाओं को धार दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को कार्यभार संभालने के बाद प्रशासनिक धरने में बदलाव की पहल की। सबसे पहले उन योजनाओं को खाद पानी दिया गया जिनकी फसल 2019 के लोकसभा चुनाव में काटनी थी और फसल काटी भी गई। लोगों ने सीएम योगी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। हम लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस अभियान के एक सिपाही थे और हमें प्रसन्नता है कि हमें इस सकारात्मक अभियान के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक और शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को जो प्राप्त हुआ है, सचमुच मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। प्रदेश में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पुलिस की बंदूकें गर्जी तो बदले माहौल में निवेशकों ने भी उत्तर प्रदेश के सुर में सुर मिलाया। परिवेश बदला तो निवेशकों को भी यूपी भाया और देश के नामी कारोबारियों के कदम उत्तर प्रदेश की ओर लौटे। सरकार की पहली छमाही में ही अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की घटना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सांसद में डाला तो अगले 2 सालों में सरकार मिशन मोड में इंसेफ्लाइटिस की कमर तोड़ने में लग गई और इसमें भी कामयाबी हासिल की। मित्रों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा का सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने इंसेफ्लाइटिस से हो रही मौतों के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में प्रदेश की सरकार के द्वारा मिली सफलता। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अगल बगल के तमाम राज्यों में कहीं इंसेफ्लाइटिस से, कहीं डेंगू से, कहीं किसी अन्य बीमारी से तमाम प्रकार की मौतें हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी ठोस कार्ययोजना बनाई थी उस कार्ययोजना का परिणाम है कि विषाणुजनित जितनी भी बीमारियाँ, वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी हैं, इन सब पर प्रभावी अंकुश करने में काफी हद तक हमें सफलता प्राप्त हुई है। और हालांकि अफसरशाही में भ्रष्टाचार के सुर, विभागों में ट्रांसफर के खेल और खुद कुछ मंत्रियों की चाल ढाल सरकार के लिए मुसीबत बनी। नतीजतन 1 महीने पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ही कई चेहरे बदल दिए गए। फिर योगी आदित्यनाथ ने 4 दशक पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हुए आदेश दिया कि भविष्य में किसी भी कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री का आयकर रिटर्न सरकारी खजाने से नहीं भरा जाएगा। मुख्यमंत्री या मंत्री अब खुद अपना आयकर रिटर्न भरेंगे। दरअसल अब तक सरकार मंत्रियों का सरकारी खजाने से आयकर रिटर्न दाखिल किया करती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं होगा। कुंभ से लेकर अयोध्या तक दिखी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक। सरकार ने विकास को चेहरा बनाया तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तिलक भी गाड़ती रही। कुंभ से लेकर अयोध्या, मथुरा, काशी तक योजनाओं, आयोजनों और परंपराओं में सरकार शामिल रही। भव्य कुंभ दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। करोड़ों यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं से लेकर क्राउड मैनेजमेंट तक की व्यवस्था विश्व स्तरीय रही। पहली बार कुंभ में कैबिनेट तक की बैठक की गई। अयोध्या में दिवाली का भव्य कार्यक्रम मनाए जाने की शुरुआत की गई। इस साल जून महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। गो संरक्षण के दावों को कानूनी जामा पहनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। मार्च 2017 को सूबे की सत्ता की कमान संभालते ही बदलाव के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लिए और सूबे में अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने और शहरों के नाम बदलने के साथ साथ अपराधियों के एनकाउंटर के लिए पुलिस को खुली छूट दी। साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए भी कई बड़े फैसले लिए। इस रिपोर्ट में देखिए सूबे के बदलाव के लिए
योगी आदित्यनाथ ने, योगी सरकार ने कौन से बड़े कदम उठाए? आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जब सीएम योगी ने प्रदेश की सत्ता संभाली तो उस समय के हालात और चुनौतियों से हर कोई वाकिफ था। सीएम ने इन चुनौतियों को अवसर में बदला। सूबे की सत्ता की कमान संभालते ही बदलाव के लिए सीएम ने कई बड़े और कड़े फैसले किए। ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुजरे इन सालों में लोगों का नजरिया बदला है। कामकाज की बदौलत उनकी सरकार ने जनता का विश्वास हासिल किया है। मित्रों, विद्युत प्रदेश के बारे में जो धारणाएं थी, उस मिथक को हमारी टीम ने प्रदेश के अंदर पूरी तरह तोड़ते हुए एक व्यवस्था बनाई कि प्रदेश के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 23 करोड़ की जनता हमारी अपनी जनता है और हम समान रूप से विद्युत का वितरण करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सूबे के बदलाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कौन कौन से बड़े कदम उठाए। अवैध बूचड़ खानों पर लगाम। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होते ही सबसे पहले अवैध बूचड़ खानों पर लगाम लगाई। योगी के शपथ लेने के दूसरे दिन से ही अवैध बूचड़ खाने बंद करने की कार्रवाई होने लगी। उत्तर प्रदेश के शहरों में अवैध बूचड़ खानों पर प्रशासन का डंडा चला और बड़ी तादाद में अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए गए। सरकार की कार्रवाई के बाद मीट कारोबारियों की हड़ताल भी हुई, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि बूचड़ खानों पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसलों को लागू किया जाएगा। अपराधियों के एनकाउंटर की खुली छूट। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम कसने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को खुली छूट दे दी। इसके बाद यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर अभियान चलाया। हालांकि इसे लेकर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन सरकार ने इससे कोई समझौता नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधी और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन बन चुके हैं। हम लोग चार से एक बार दो बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी। और यही भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यही चाहते हैं। एंटी रोबियो स्क्वायर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का कदम उठाया। इसके बाद यूपी पुलिस ने कॉलेजेस और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मनचलों की धरपकड़ तेज कर दी थी। नकल विहीन परीक्षा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 में सत्ता में आने के बाद शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए विद्यालयों के सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हमने जो नियम बनाया कि प्रबंधक गण परीक्षा जब तक चलेगी, परीक्षा के दौरान 200 मीटर की दूरी तक परिधि में प्रबंध संख्या कोई व्यक्ति नहीं आएगा। हमारा केवल एक ही मोटिव है कि बच्चों में इस बात का विश्वास जागे कि हम पढ़ाई करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नकल हमारे लिए ठीक नहीं है, ये संदेश हमारा जाना है। गाय को लेकर बनी नीतियां। यूपी में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद गाय के लिए कई नीतिगत फैसले किए गए। हर जिले में नई गौशाला बनाने और हर ब्लॉक के कांजी हाउस को गौशाला में तब्दील करने का फैसला हुआ। गौशाला बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरचार्ज लगाया। इसके अलावा गाय की देखभाल और उनके लिए चारा पानी जैसी तमाम सुविधाएं देने का फैसला किया गया। शहरों के नाम बदले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कई शहरों के नाम बदलने का फैसला किया। इनमें मुगलसराय रेलवे स्टेशन और शहर का नाम बदलकर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। इसके अलावा फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इसी तरह से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। पूर्वांचल बुंदेलखंड पर सरकार मेहरबान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए कई बड़े फैसले किए। पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का भी सरकार ने फैसला किया। इसके जरिए दोनों इलाकों को जहां एक ओर प्रदेश से जोड़ने की योजना है, वहीं विकास को इस इलाके में नई गति देने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ बड़े और कड़े फैसले लिए बल्कि उन मिथक को भी तोड़ा जो कई साल से यूपी के कई मुख्यमंत्री नहीं तोड़ पाए थे। जी हां, सीएम रहते हुए नोएडा आने का मिथक जिसमें कहा जाता रहा है कि यहां जो भी मुख्यमंत्री आता है उसकी कुर्सी चली जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ दिया। वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार नोएडा आए और बतौर सीएम उनकी कुर्सी सुरक्षित है। एक वक्त था जब माना जाता था कि यूपी का जो सीएम नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को भी तोड़ दिया। वो एक बार नहीं बल्कि कई बार नोएडा आए और बतौर सीएम उनकी कुर्सी सुरक्षित भी है। पहले की लोग तो क्या कहते थे कि मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा तो अपशकुन हो जाएगा। हमने कहा भी अपशकुन को ही तो शकुन बनाने का नाम हम लोगों का नाम है। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के अपशकुन का नाश करती है, चाहे वह बसपा के नाम पर अपशकुन हो, चाहे वह सपा के नाम पर हो, चाहे वह कांग्रेस हो। इन सबको समाप्त करके प्रदेश की जनता को शकुन का जीवन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी है। और एक बार नहीं, जब भी डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा नोएडा में कोई कार्यक्रम है, जब भी पंकज सिंह जी ने कहा, जब भी धीरेन्द्र सिंह जी ने कहा, जब भी तेजपाल सिंह नागर जी ने कहा, जब भी इन लोगों ने कहा कोई कार्यक्रम होना है, हमने कहा बेधड़क हम लोग नोएडा जाएंगे, उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और एक समयबद्ध ढंग से समस्याओं का रास्ता भी निकालेंगे। 1982 से चला आ रहा था नोएडा का मिथक। दरअसल ये मिथक तब बना था जब 1982 में यूपी के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह नोएडा में वीवी गिरी श्रम संस्थान का उद्घाटन करने गए थे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से हट गए। 1988 में सीएम वीर बहादुर सिंह फिल्म सिटी स्थित एक स्टूडियो में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने गए। कुछ महीने बाद ही वो भी मुख्यमंत्री पद से हट गए। इसके बाद एनडी तिवारी जब सीएम बने तो नोएडा के सेक्टर 12 स्थित नेहरू पार्क का उद्घाटन करने 1989 में पहुंचे और कुछ समय बाद ही उनकी भी कुर्सी चली गई। 1994 में सीएम मुलायम सिंह यादव नोएडा गए और उनकी भी कुर्सी चली गई। बतौर सीएम राजनाथ सिंह को एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करना था, लेकिन वो नोएडा नहीं गए, उन्होंने दिल्ली से ही इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। अखिलेश यादव ने भी इस मिथक को माना। अखिलेश यादव ने कहा जरूर था कि वो नोएडा आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मायावती जरूर नोएडा आई थी, लेकिन उनकी भी कुर्सी चली गई। योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को नहीं माना। उन्होंने 2.5 साल में प्रदेश के करीब सभी जिलों का दौरा कर डाला। कुछ जिलों में तो वो कई कई बार गए। इस दौरान कई बार वो नोएडा आ चुके हैं। उनकी कुर्सी पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो इन 2.5 सालों में कई उपलब्धियां सरकार की रही जिसको मुख्यमंत्री ने खुद गिनवाया भी। कई चुनौतियां भी हैं जिनसे पार पाना अभी बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना मुख्यमंत्री का है वो अगले 2.5 साल में कितना पूरा होगा ये देखना बाकी है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। वर्षों में हम जो कुछ भी कर पाए हैं यह
ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।